पर्यटन होम स्टे योजना की पोहरी में हुई बैठक संपन्न। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला पुरातत्व संस्कृति एवं पर्यटन परिषद द्वारा होम स्टे संबंधित कार्यशाला का आयोजन 20 अप्रैल को पोहरी जनपद सभागार में संपन्न किया गया। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड होम स्टे प्रोजेक्ट संबंधी अधिकारी प्रशांत चिरोलिया सलाहकार कौशल शामिल रहे। उन्होंने होम स्टे योजना के संबंध में विस्तार से उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी। प्रोजेक्ट संबंधित अधिकारी प्रशांत चिरोलिया ने कहा कि पर्यटन बहुत तेजी से विकसित होने वाला सेक्टर है। आज पर्यटन के क्षेत्र में नए नए नवाचार भी हो रहे हैं। होम स्टे में घर को आप होटल की तरह विकसित कर सकते हैं। इससे न केवल पर्यटक को एक अलग वातावरण मिलेगा बल्कि ये आर्थिक लाभ भी दिलाएगा। यहाँ प्रशासन और पोहरी के लोग मिलकर पोहरी क्षेत्र को एक अच्छा और सुरक्षित पर्यटन स्थल बना सकते हैं। इस बैठक में होम स्टे बनाने की योजना रखने वाले लोगों को इस कार्यशाला में मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था और उन्हें किस प्रकार अपने होम स्टे को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ रजिस्टर करना है इसकी जानकारी टूरिज्म बोर्ड की टीम द्वारा साझा की गई है। टूरिज्म बोर्ड की टीम ने बताया है कि टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर होम स्टे के लिए पंजीयन करा सकते हैं। इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बैठक में केएस धाकड़ आरओ कुनो पार्क, शिवदयाल धाकड़ एसडीएम, वीरेंद्र सिंह धाकड़ डीएफओ, तेज सिंह यादव सीएमओ, मोतीलाल खंगार बीएमओ आदि कई लोग मौजूद रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जनपद सभागार में एक मीटिंग का आयोजन किया है, क्या मीटिंग थी और क्या क्या बताया? जनपद सभागार में आज जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब से शिवपुरी और शिवपुर में चीते और बाघ का रिलीज हुए उसके बाद से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं देखी गई हैं। तो हमारे प्रमुख सचिव महोदय का ऐसा मानना है कि पोहरी शिवपुरी और शिवपुर क्षेत्र में इसकी असीम संभावना है, जिसमें हम स्थानीय लोगों के साथ में मिलके उनको साथ में मिलके पर्यटकों को अच्छी अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा सकते हैं। उसी संबंध में जिला प्रशासन और DATCC शिवपुरी के सहयोग से एक होम स्टे योजना के विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें योजना में पंजीयन कैसे कराते हैं, कैसे स्थानीय लोग उससे जुड़ सकते हैं, आजीविका का साधन के रूप में उसको ले सकते हैं और इसके साथ साथ में पर्यटकों को हम स्थानीय संस्कृति से कैसे अवगत करा सकते हैं, इस विषय में कार्यशाला थी। और जो स्थानीय लोगों ने रुचि दिखाई उसको देख के लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ होम स्टे यूनिट्स का पंजीयन हो सकता है।